एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल कई प्रकार के बैक्टीरिया को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, कान का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, फेफड़े में कोई इन्फेक्शन है, या फिर इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे उल्टी आना, जी मतलाना, दस्त होना, पेट में हल्का हल्का दर्द होना। और अगर बात करें इसके डोजेस की, तो एक एडल्ट व्यक्ति इसको 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार ले सकता है, और जो बच्चे हैं उनको 250 मिलीग्राम या फिर 100 मिलीग्राम की टेबलेट उनके डॉक्टर के हिसाब से दी जा सकती है। इसे खाना खाने से 2 घंटा पहले या फिर खाना खाने के 1-1.5 घंटा बाद में दिया जाता है, और इस दवा को सामान्यतः 3 दिन से 5 दिन तक लगातार दिया जाता है। जैसे डॉक्टर बताता है उस हिसाब से आपको दवाई लेनी चाहिए, और कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, ताकि आपको उसके कोई भी साइड इफेक्ट ना हो सके। और ये जो वीडियो आप YouTube में देख रहे हैं या फिर किसी भी चैनल पे देख रहे हैं, तो इसमें सिर्फ आपको दवाई के बारे में जानकारी ही दी जा सकती है, ना कि कोई दवाई लेने की खुद से सलाह दी जाती है, ठीक है। तो कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, ताकि वो सारी जानकारी आपकी अच्छे से ले सके और आपके हिसाब से आपको दवाई दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।